हर खिलाड़ी का एक वक्त होता है और जब वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा होता है तब इन खिलाड़ियों की चारों तरफ चर्चा होती है। उस समय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी का असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब करियर नीचे की तरफ जा रहा हो। भारतीय कुश्ती में भी कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने समय में खूब नाम कमाया, लेकिन अब आत्मविश्वास की कमी इनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। आज बात करते हैं ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों की जिन्होंने खूब नाम कमाया और कुश्ती की दुनिया में आज इनका बड़ा नाम है, लेकिन दिल्ली में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल्स की कहानी कुछ और ही बयां करती है। इनमें सबसे पहले नाम आता है साक्षी मलिक का। रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और कुश्ती में भारत की पहली ओलंपिक मेडल जीतने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक को दिल्ली के ट्रायल्स में मनीषा के हाथों पहले ही राउंड में 6-3 से करारी हार का सामना करना पड़ा। साक्षी मलिक की उम्र अब 28 साल हो चुकी है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भी साक्षी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी दिल्ली में हुए ट्रायल्स के पहले ही राउंड में मनीषा के हाथों मिली करारी हार के बाद उनके फैंस उनके करियर को लेकर चिंतित हैं। दूसरा नाम आता है 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले नरसिंह यादव का। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के ट्रायल्स में इनको भी हार का सामना करना पड़ा। नरसिंह यादव का करियर साल 2010 में अपने चरम पर था। उस साल इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते, लेकिन दिल्ली में हुए इन ट्रायल्स में युवा खिलाड़ी गौरव बालियान के सामने नरसिंह यादव बेबस नजर आए और इस हार के बाद उनके ऊपर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। तीसरा नाम आता है पूजा ढांडा का। इन्होंने साल 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुए ट्रायल्स में सरिता ने फाइनल्स में 7-0 से हराकर पूजा के करियर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इनके फैंस को उम्मीद है कि हरियाणा की पहलवान पूजा इन सभी सवालों के जवाब जल्दी ही मैट पर देगी।